फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में एक फल है जिसे हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वो है आम। और आम से बनने वाली कोई भी डेजर्ट उसके स्वाद में चार चांद लगा देती है। तो आज मैं इसी आम से एक बहुत ही स्वीट सा रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मैंगो पुडिंग। तो आइए बनाते हैं इस पुडिंग को। मैंगो पुडिंग बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो दो बड़े आम, पके हुए आम को छील करके उसका गूदा निकाल लें और फिर से जो है हमें ग्राइंड करना होगा कुछ चीज़ों के साथ में। तो पहले मैं ये मैंगो जो मैंने छीले हुए हैं इसे एक मिक्सर जार में डाल दे रही हूँ और इसमें जाएगा हाफ कटोरी पिसी हुई चीनी पाउडर कर लें आप इसे ग्राइंडर में। तो ये हाफ कटोरी मैंने यहाँ पर चीनी डाल दिया। वैसे आप ऐसे मैंगो के टेस्ट के हिसाब से कम बेसी चीनी आप डाल सकते हैं। अगर आपका मैंगो टेस्ट में ज़्यादा मीठा है तो थोड़ा चीनी कम डाल सकते हैं। और एक कटोरी मैंने इसमें डाले हैं ठंडा दूध और थोड़ी सी मैंने दो जो हरी इलायची होती है उससे छील के उसे भी डाला है। वैसे आपकी मर्ज़ी, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इससे मैं एक स्मूथ पेस्ट करूँगी। हाँ, तो ये पेस्ट मेरा जो है बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट जो है तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि पैन में बिल्कुल लो फ्लेम में इसे रहने दूँगी और इस पूरे पेस्ट को इसमें डाल करके थोड़ा सा इसे एक बबल्स आने तक इसे पकाऊँगी। फ्लेम को लो ही रहने दीजिए और जब तक ये पक रहा है हमें एक और काम करना है। हम यहाँ दो चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है, आप इसके जगह पे कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर भी ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा दूध में डाल करके एक पतला सा इसका घोल तैयार कर लें। ऐसे तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कस्टर्ड का टेस्ट जो होता है वो मैंगो के साथ में बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल उसका टेस्ट जो है इन्हांस हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर को घोल लिया है और इस पुडिंग को मैं थोड़ी देर जो है इसे लो फ्लेम में जो एक बबल्स आने तक पहले पका लेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक बबल्स आने लगे हैं। तो इस टाइम पे हम जो है इसमें कस्टर्ड मिल्क जो है ऐड करेंगे, लेकिन कस्टर्ड मिल्क ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें फ्लेम को बंद करना होगा और फिर धीरे धीरे से इसमें कस्टर्ड पाउडर जो मिल्क है से डालते जाएं और स्टेयर करते जाएं अच्छी तरह से ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। तो अच्छे तरीके से धीरे धीरे इसमें डालते जाएं और इसको पहले तो पूरा कस्टर्ड मिल्क मैंने यहाँ ऐड कर दिया है और इसे फिर से गैस ऑन करें और लो फ्लेम में इसे तब तक चलाएं जब तक ये जो है बैटर जो है बिल्कुल थिक सा ना हो जाए और जमने वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। हाँ, तो आप देख सकते हैं इसे मैंने करीब करीब 15 मिनट मैंने जो है लो टू मीडियम फ्लेम में जो मैंने पका लिया है और अब ये इस तरह से आप देख सकते हैं जब मैं इसे स्टेयर आउट कर रही हूँ तो वापस से तुरंत वो नहीं आ रहा है, मतलब इसका जो है थिकनेस जो है हमारे जमाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है क्योंकि हमें इसे फ्रीज़र में नहीं आना है, फ्रिज में जमाना है। तो इस तरह से, और आप दूसरा इसका ये भी देख सकते हैं कि ये जब हम इसे उठाएंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली जो है नहीं गिरेगा, वो जो है धीरे धीरे करके एक एक जो है वो गिरेगा बैटर। तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो ये बेस है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, गैस ऑफ करके इसे पूरे अच्छे तरीके से ठंडा होने देना पड़ेगा और फिर लास्ट में थोड़ा सा लेमन जूस मिलाएंगे और फिर इसे जो हम इसे मोल्ड में जमने के लिए रख देंगे। हाँ, तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। तो ऐसे टाइम पे जो है हम जो है इसमें थोड़ा सा नींबू का रस, यहाँ हाफ नींबू मैंने लिया है और इसे इसका रस इसमें डाल के इसे अच्छे तरह से मिक्स कर दूँगी और ये आप देख रहे हैं कि कितना गाढ़ा हो चुका है ये, बस इसी तरह का हमें चाहिए। अब हमें क्या करना होगा, एक मोल्ड लीजिए या एक कटोरी आप किसी भी तरह का ले सकते हैं, उसे हल्का सा ऑयल से जो है आप इसे ग्रीस कर दीजिए और अच्छे से ग्रीस करने के बाद में ये सारा जो है पेस्ट जो है इसमें डाल करके इसे आप करीब करीब 4-5 घंटे जो है आप इसे
फ्रीज में आप जो है इसे ठंडा कर लें और उसके बाद इसे हम लोग डिमोल्ड करेंगे। हाँ, तो इसे मैंने कम्प्लीटली डाल दिया है और अब इसे मैं पैक कर दे रही हूँ थोड़ा सा, और फिर इसे जो है फ्रिज में जो है डाल करके इसे 4-5 घंटे के लिए मैं जो है इसे ठंडा कर दूँगी, कम्प्लीटली ठंडा कर दूँगी। इसके बाद हमें इसे डिमोल्ड करेंगे। हाँ, तो ये साइड्स छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसे धीरे धीरे करके जो है आप हल्के हल्के हाथों से इसे निकालिए, और ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये हमारा पुडिंग निकल गया है। अब हम इसे जो है थोड़े से कटे हुए मैंगो और पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे, और ये प्यारा सा ठंडा ठंडा सा एकदम पुडिंग जो है हमारा जो है तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा ये हमारा वीडियो? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।